अरे यार, एक तो ना प्रोडक्ट्स गिरते बहुत हैं। सो मैं दोबारा रिकॉर्ड करूंगा। बाय द वे, वेलकम टू माई चैनल हार्ट सोल एंड स्टाइल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माई एक्सपीरियंस विद कफ्स एंड लैशेज। अगर आपको नहीं पता वॉट इज कफ्स एंड लैशेज, तो कफ्स एंड लैशेज इज अ इंस्टा पेज एंड इनकी एक वेबसाइट भी है। आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड ऑल्सो ये जो है रिसेंटली बहुत ग्रो कर रहा है एंड दे हैव सम अमेजिंग अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स, मेकअप प्रोडक्ट्स, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। इट इज ओन्ड बाय निधि कटियार। निधि कटियार का एक यूट्यूब चैनल भी है। आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर द सेम एज वेल। शी क्रिएट सम अमेजिंग मोनोक्रोमेटिक लुक्स, सो आप चेकआउट कर सकते हैं उनका चैनल भी। एंड अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। कमेंट सेक्शन पे भी मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और सजेशन भी आप दे सकते हैं कि व्हाट एल्स यू वुड लाइक टू सी इन फ्यूचर। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं एंड आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। इट विल मीन अलॉट टू मी। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी। माई इंस्टा हैंडल इज हार्ट सोल एंड स्टाइल। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो टॉकिंग अबाउट कि कुरियर कैसे रिसीव हुआ एंड मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा कफ्स एंड लैशेस के साथ, फर्स्ट ऑफ आपको पता है लॉकडाउन का टाइम है एंड मैंने ऑलरेडी सारी पेमेंट वगैरह कर दी थी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग डिले बट आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड विद देयर सर्विस। मैंने जो उनका कस्टमर केयर नंबर है उस पर कॉल करके मैंने उनसे बात करी एंड दे वर सो कोऑपरेटिव एंड दे वर सो अंडरस्टैंडिंग वो कस्टमर को प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड करने की। इवन ड्यूरिंग दिस टाइम वो पूरी अच्छे से सर्विस प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सो विच इज़ अ बिग थम्स अप फ्रॉम माई साइड। आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली आई फेल्ट लाइक शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विद यू गाइज। एंड उन्होंने जो भी कमिटमेंट दी उन्होंने वो फुलफिल की, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे नए भी जो कंपनीज हैं इस टाइम पे दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ देयर वर्ड्स टू दिस लेवल एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि जो उन्होंने कमिटमेंट दिया है वो फुलफिल करेंगे, बट द पर्सन वॉज सो श्योर कि वो पूरा पक्का फुलफिल करेंगे एंड आई वॉज इम्प्रेस्ड कि उन्होंने वो फुलफिल किया। तो आप जरूर चेकआउट करिएगा, उनकी कस्टमर सर्विस काफ़ी अच्छी है। अगर मैं पैकेजिंग की बात करूं तो मुझे थोड़ा सा ये अच्छा नहीं लगा कि देवर ऑल द प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे से पैक्ड थे बट देवर नॉट इन कार्डबोर्ड बॉक्स, बबल रैप में सारे अच्छे से रैप्ड थे, बहुत अच्छे से रैप्ड थे एंड उसके ऊपर एक प्लास्टिक पेपर था जो कि मैंने थ्रो कर दिया है। आई डोंट हैव इट टू शेयर विद यू गाइज बट दैट इज हाउ इट केम टू मी। इट शुड हैव बीन इन कार्डबोर्ड तो ज्यादा बेटर होता। मेकअप प्रोडक्ट्स आर रियली डेलिकेट एंड दे आर वेरी प्रोन टू डैमेज, सो वो मुझे लगा कि वो अपग्रेड कर देना चाहिए उनको एंड दे शुड सेंड द प्रोडक्ट्स इन कार्डबोर्ड ताकि प्रोडक्ट्स की सेफ्टी इंटैक्ट रहे। एंड मैं आपको आगे जो है आप देखेंगे वीडियो में मेरे थोड़ा प्रोडक्ट्स इधर उधर डैमेज भी हुए हैं। सो आई हैव दिस बॉक्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड फ्यू मोर प्रोडक्ट्स टू शेयर विद यू गाइज जो कि इस बॉक्स में मेरे फिट नहीं आए। आई विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद द चीपेस्ट प्रोडक्ट जो कि मैंने वहां से खरीदा, वॉज दिस ऑलिव की फाउंडेशन। ये इतनी छोटी सी पैकेजिंग है। बाय द वे मैं सब प्रोडक्ट्स के लिंक आई विल बी पुटिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप चेकआउट कर सकते हैं। ऑल्सो मैं प्राइस जो है वो स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी जिस प्राइस पे मैंने ये खरीदा है। सो सबसे पहले ये ओलिव की फाउंडेशन, ये इतनी सी बॉटल है, इट लुक्स लाइक नेल पेंट बट ये फाउंडेशन है। इसका प्राइस इफ आई एम नॉट रॉन्ग वॉज 50 रुपीज एंड ऐसा सा एक एप्लीकेटर के साथ ये आती है। मैंने अभी तक यूज नहीं करी है बट ये काफी स्मूथ लग रही है एंड काफी ब्लेंडेबल लग रही है। मुझे कवरेज इसका इतना नहीं समझ आया बिकॉज आई हैव नॉट यूज इट ऑन फेस एंड मुझे हाथ पे कुछ ज्यादा समझ नहीं आया फ्रैंकली, बट आई एम श्योर इसकी बहुत लो कवरेज है। इट विल नॉट प्रोवाइड यू हैवी कवरेज बट फॉर द प्राइस आई थिंक इट्स फाइन। आई विल ट्राई इट एंड शेयर द रिव्यू। अगर आपको चाहिए होगा रिव्यू आई विल बी शेयरिंग इट। अगर आपको रिव्यू चाहिए इस फाउंडेशन का तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने लिया है वो है ये ब्लू हेवन का पैन क्रीम। मुझे ये ज्यादा समझ नहीं आई, मुझे लगा था ये भी फाउंडेशन जैसे वर्क करेगी या थोड़ी कवरेज देगी बट इसका
जो टेक्सचर है वो काफी हार्ड क्रीम जैसा है एंड मुझे ये ज्यादा समझ नहीं आई कि ये मतलब क्या इसका पर्पज है। मुझे ये लगा था ये कंसील के लिए या कुछ ऐसे वर्क करेगी। आप देखिए ये बिल्कुल ही कितना भी आप रब करो इसको मतलब कुछ ज्यादा आपको लगेगा नहीं कि प्रोडक्ट अप्लाइड है। तो ये मैंने सेकेंड प्रोडक्ट लिया था, आई थिंक इट वॉज फॉर 75 रुपीज, आई कुड बी रॉन्ग, बट ये मैंने सेकेंड प्रोडक्ट लिया एंड आई डोंट नो। अगर आपको पता हो कि इसका क्या पर्पज है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट प्रोडक्ट विच आई वुड लाइक टू शेयर विद यू गाइज इज ये ब्लू हेवन का मस्कारा। नाउ कमिंग टू द पैकेजिंग पार्ट, जब ये मुझे मिला था तो ये ऐसे फटा हुआ ही था, दैट इज वाई आई हैव केप्ट द पैकेजिंग टिल नाउ बिकॉज मुझे शेयर करना था आप लोगों के साथ रिव्यू कप्स एंड लैशेज के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो ये जो है ऐसे मतलब ये फटा हुआ था तो मुझे थोड़ा सा लगा कि यार ये यूज्ड है क्या या कुछ ऐसा है। ऑल्दो मेरे को ऐसा लगा नहीं कि ये यूज्ड है, बट ये एग्जैक्टली वहीं से फटा हुआ था जहां से ये प्रोडक्ट इजीली आप निकाल सको। तो मुझे ये थोड़ा सा वो लगा, सही नहीं लगा कि ये थोड़ा सा डैमेज था। तो बट टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट, अभी मैंने आई हैव अप्लाइड दिस मस्कारा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अफोर्डेबल है एंड ये मैंने एक मस्कारा ब्लू हेवन का अफोर्डेबल ट्राई किया है। नेक्स्ट प्रोडक्ट विच आई वुड लाइक टू शेयर विद यू गाइज इज ये SFR की दो हाईलाइट स्टिक्स। टॉकिंग अबाउट द पैकेजिंग, वैसे तो इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, जो प्लास्टिक है वो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी नहीं है। आई थिंक ये 125 की ईच थी। एंड टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट, ये आपको इतना मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं है, आई थॉट मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी, बट ये मेरी फर्स्ट हाईलाइट स्टिक्स हैं तो मतलब आई वॉज नॉट अवेयर कि कितना प्रोडक्ट आता है, बट इतनी ही है ये। एंड ये जो है ये लुक एट इट, काफ़ी अच्छी अच्छा हाईलाइट प्रोवाइड करेगी, थोड़ी क्रीम हाईलाइट है एंड मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये वाली स्टिक, ये वाला स्पेसिफिकली। एंड ये है 104 एंड द अदर वन आई हैव इज 106। टॉकिंग अबाउट दिस स्टिक, पर्टिकुलर स्टिक, तो जब ये मेरे पास आई तो आप देखिए यहाँ पे एक डॉट लगा हुआ है एज यू कैन सी। तो जो प्रोडक्ट था वो ओपन था एंड इट वॉज टचिंग हेयर, तो थोड़ा सा प्रोडक्ट जो है आप देखिए यहाँ पे भी फ्लैट हो गया है। आई हैव यूज दिस वन ऑल्सो, बट मुझे ये थोड़ा सही नहीं लगा कि प्रॉपरली प्रोडक्ट्स वर नॉट चेक्ड, अपार्ट दैट प्रोडक्ट वॉज टोटली सील्ड तो इट वॉज नॉट यूज। तो ये एक मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा मुझे अच्छा सही नहीं लगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट विच आई वुड लाइक टू शेयर विद यू गाइज इज ये स्विस ब्यूटी का शेप है ब्राउज पैलेट। इसके अंदर आपको 3 ब्राउ पाउडर एंड 1 वैक्स क्रीम मिल जाएगी एंड आई एम रियली रियली इम्प्रेस्ड विद दिस प्रोडक्ट, क्योंकि इसका कॉस्ट भी आई डोंट रिमेम्बर द प्राइस ऑफ इट, बट लुक एट द क्वालिटी, मतलब इसकी जो प्लास्टिक है ना बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, ये कोई भी हाई एंड ब्राउ पैलेट के जैसा ही लग रहा है एंड बिल्कुल प्रॉपरली सील्ड था। आप देखिए इसके अंदर एक प्लास्टिक पेपर है, आई हैव नॉट यूज्ड इट टिल नाउ, बट इसके अंदर आपको 3 ब्राउ शेड्स मिल जाएंगे। अलॉन्ग विद दैट आपको एक मिरर मिल रहा है एंड ये एक छोटा सा ब्रश भी मिल रहा है टू फिल द ब्राउज एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा फ्रैंकली फॉर द प्राइस एंड इसकी क्वालिटी देख के मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। सो दिस वॉज माई नेक्स्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू गाइज इज ये SFR का ब्लश इन द शेड न्यूड प्लम 4। अगेन लुक एट द पैकेजिंग, मतलब इतनी अच्छी पैकेजिंग है SFR के प्रोडक्ट्स की। मैं फर्स्ट टाइम SFR के प्रोडक्ट्स ट्राई कर रही हूँ एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द पैकेजिंग। ये कोई भी हाई एंड प्रोडक्ट जैसी पैकेजिंग प्रोवाइड कर रहे हैं एंड प्लस दे आर एक्सट्रीमली अफोर्डेबल। तो अगर आप बिगनर हैं मेकअप में तो आप प्लीज चेकआउट SFR प्रोडक्ट्स और वो कप्स एंड लैशेज पे आपको काफी मिल जाएंगे SFR के प्रोडक्ट्स। तो ये मैं ट्राई करना चाह रही थी एंड लुक एट इट, इट्स सो ब्यूटीफुल पिंक काइंड ऑफ शेड एंड हाईली पिगमेंटेड है। अब देखिए बहुत पिगमेंटेड है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आई हैव नॉट यूज्ड इट, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही कंफर्टिंग सी इसकी फ्रेग्रेंस है, बहुत हाईली परफ्यूम्ड नहीं है बट एक काइंड ऑफ इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन, बट काफ़ी फेमिलियर सी फ्रेग्रेंस है, बहुत अच्छी लगी मुझे एंड इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी लगी एंड इसके साथ भी आपको एक मिरर मिल रहा है तो विच इज ग्रेट। सो ये मैंने एक नेक्स्ट प्रोडक्ट लिया। नेक्स्ट मैंने ब्लश लिए हैं किस ब्यूटी के लिक्विड ब्लश, मैंने 4 शेड लिए हैं, इनके आई थिंक 4 ही शेड्स आते हैं, मैं बहुत टाइम से ट्राई करना चाह रही थी
क्योंकि मैंने बहुत अच्छे रिव्यूज सुने थे इनके बारे में. तो आई वॉन्टेड टू ट्राई इट. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आप एक्सक्लूसिवली इनका रिव्यू चाहते होंगे. मैं आप लोगों के साथ सिर्फ अभी शेड शेयर कर रही हूँ. मैंने ये वाला अभी ब्लश लगा भी रखा है. इट इज देयर 04 शेड. ये इस तरीके की बॉटल में आते हैं एंड जस्ट वॉन्टेड टू से दे आर वेरी पिगमेंटेड. ऐसा सब इनका एप्लीकेटर है, आप अप्लाई कर सकते हैं एंड बहुत इजीली ब्लेंड भी हो जाते हैं. मैंने चारों शेड्स लिए हैं इनके. ये रेड ऑरेंज रेड काइंड ऑफ शेड है और ये टोटली एक पिंक काइंड ऑफ शेड है 01. ये काफी ऑरेंजी न्यूड काइंड ऑफ ब्लश है. तो एक ये 02 एंड ये 03 शेड विच इज परफेक्ट रेड ब्लश. तो ये चार जो है मैंने लिए हैं. नाउ कमिंग टू द प्रोडक्ट्स जिसके लिए आई वॉज मोस्ट एक्साइटेड वॉज ये SFR के ऑब्सेशन पैलेट्स. ये चार शेड्स में आपको मिल जाएंगे एंड ये चारों जो है ये हुडा ब्यूटी के ड्यूप हैं. पैकेजिंग एंड एवरीथिंग इज सिमिलर. कफ्स एंड लैशेज पे ये 199 rupees ईच पे अवेलेबल है. मैंने चारों पैलेट लिए हैं और इनका मैं एक्सक्लूसिवली एक रिव्यू शेयर करूंगी. राइट नाउ मैंने अपने आई मेकअप के लिए यूज किया है ये सफायर ऑब्सेशन पैलेट ऑफ SFR ब्यूटी. टॉकिंग अबाउट द पैकेजिंग आप कार्डबोर्ड की पैकेजिंग है एंड इसके साथ भी आपको एक मिरर मिल रहा है एंड ये इसके साथ एक मतलब ये पूरा अच्छे से पैक था. ये प्लास्टिक आपको शीट मिलेगी एंड इसमें इस तरीके के कुछ कलर्स हैं, मतलब काफी प्रिटी कलर्स हैं एंड आप बहुत सारे लुक्स क्रिएट कर सकते हैं. दिस पैलेट आई स्पेसिफिकली लाइक, इसके कलर थीम काफी अच्छी लगी इस पैलेट की. ये है सफायर ऑब्सेशन. नेक्स्ट जो है इनका एमरल्ड ऑब्सेशन पैलेट एंड ये इसकी जो थीम है वो ग्रीन है. अगेन पैकेजिंग इज सेम एंड ये इसके कलर्स हैं. कलर्स अच्छे हैं. आई विल बी शेयरिंग डिफरेंट वीडियो जिसमें मैं आप लोगों के साथ पूरे इनके रिव्यूज भी शेयर करूंगी. तो ये आप देख सकते हैं काफी पिगमेंटेड तो है ही है. इसमें आपको प्रॉपरली शिमर शेड भी हैं, ग्लिटर शेड्स भी हैं, मैट भी हैं, कॉर्नर हाईलाइट करने के लिए भी शेड है. ये अपने आप में एक कंप्लीट पैलेट है कोई मोनोक्रोमेटिक लुक क्रिएट करने के लिए. तो ये सेकेंड पैलेट है इनका. थर्ड पैलेट जो है ये SFR ब्यूटी का है. ये है रेड थीम पे रूबी ऑब्सेशन पैलेट. अगेन पैकेजिंग इज सेम एंड ये इसका कलर थीम है. काफी प्रिटी है ये भी. आपको पिंक मिल रहा है, मैट मिल रहा है, क्रीज कलर मिल रहा है, आपको ग्लिटर मिल रहे हैं पिंक रेड. ये था थर्ड पैलेट जो SFR ब्यूटी ने ऑब्सेशन पैलेट में लॉन्च किया है. नेक्स्ट पैलेट जो की है एमेथिस्ट पैलेट. ये इसकी जो कलर थीम है वो पर्पल है. इसमें भी आपके पास काफी अच्छे कलर्स हैं. आपके पास ग्लिटर्स हैं, मैट है, आपके पास क्रीज कलर है एंड काफी प्रिटी ग्लिटर्स भी हैं. सो दिस वॉज द फोर्थ पैलेट जो की ऑब्सेशन पैलेट रेंज से SFR ब्यूटी ने लॉन्च किया था. So this was it from my this video. I hope आपको ये video अच्छी लगी होगी and अगर अच्छी लगे तो please मेरी video को like जरूर करिएगा and do subscribe to my channel अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया है, क्योंकि future में a lot of good videos have been planned and you would not like to miss that for sure. So subscribe जरूर करिएगा and I will see you in my next video. Bye bye.